मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया पैनलिस्ट एडवोकेट प्रमित कुमार द्विवेदी ने भाजपा नेताओं मुख्यमंत्री व वजीर आजम सहित केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए किसान बिल पर बात रखने के पहले किसानों के हितों से खिलवाड़ करते हुए अफसरों के हाथ खोलने और उन पर शोषण करने का आरोप लगाया है। बिजली कंपनी में बाउंस चेकों की संख्या इतनी बढ़ गई थी कि कंपनी ने 25 जुलाई को आदेश जारी कर सभी भुगतान खिड़कियों पर चेक से भुगतान स्वीकार नहीं करने की सूचना चस्पा कर दी थी। 1 अगस्त से इसे लागू भी कर दिया गया था, जिसका बिजली उपभोक्ताओं ने विरोध भी किया था। अब बिजली कंपनी चेक से भुगतान पर लगी रोक हटा दी है। अब चेक से भी बिजली कंपनी भुगतान स्वीकार कर रही है।